गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 3, क्लास फर्स्ट, साउंड ऑफ वोवेल ई। लास्ट चैप्टर में हमने साउंड ऑफ वोवेल ई के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम साउंड ऑफ वोवेल ई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Read the following words and learn different sound of vowel. तो नीचे दिए गए वर्ड्स को रीड करना है और इसमें हम साउंड ऑफ वोवेल ई को पढ़ेंगे। देखिए साउंड ई, जिसमें आवाज आएगी बड़ी की। किसकी आएगी? बड़ी ई की। तो चलिए आपको भी मेरे पीछे पीछे रीड करना है। पी, किसकी आवाज आई? बड़ी ई की, साउंड ऑफ ई। पी, टी, क्या रीड करेंगे इसको? टी, किसका साउंड आया? बड़ी ई का। तो बड़ी ई का जहां साउंड आता है वहां वोवेल ऑफ ई यूज होता है। नेक्स्ट की, क्या है ये? की, इसमें भी किसका साउंड आया? ई का। किसका साउंड आया? ई का। तो ये साउंड ऑफ ई वोवेल है। नेक्स्ट साउंड ई, जिसमें साउंड निकलेगा ए, ए और ए, के, इन सभी का साउंड आएगा। तो चलिए रीड करते हैं। नेट, इसमें किसका साउंड आया? एक ए का, नेट। नेक्स्ट हैंड, किसका साउंड आया? ए का। नेक्स्ट डैन, इसमें किसका साउंड आया? ए का, डैन, ए का साउंड आया। नेक्स्ट जैक, इसमें भी ए का साउंड आया। मैन, मैन। नेक्स्ट वेल, इसमें भी किसका साउंड आया? ए का, वेल। तो ये सभी जो वर्ड्स थे साउंड ऑफ ई वोवेल्स के थे। तो साउंड ऑफ ई वोवेल्स में देखिए, हम जब भी लिखते हैं तो उसमें ई वर्ड जरूर यूज किया जाता है। हर वर्ड्स में आपको ई जरूर होगा। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं वो साउंड ऑफ ई होते हैं। इसमें कौन सा है? ई वोवेल। हमने यहां पर इस चैप्टर में ई वोवेल के बारे में पढ़ा।